प्रभास की फिल्म में हुई मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री, बाहुबली स्टार को देंगे कड़ी चुनौती। सुपरस्टार प्रभास और पूजा हेगड़े की आने वाली फिल्म बेहद चर्चा में बनी हुई है। राधा कृष्ण कुमार निर्देशित इस लव स्टोरी की शूटिंग पिछले साल शुरू हुई थी। चर्चा है कि अब इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री हो गई है। फिल्म में वे नेगेटिव किरदार निभा सकते हैं। 1970 के समय के इर्द गिर्द घूमती इस फिल्म में प्रभास एक ज्योतिषी की भूमिका में नजर आएंगे। प्रभास, पूजा और मिथुन के अलावा भाग्यश्री भी इस फिल्म में अहम किरदार अदा कर रही हैं। फिल्म का नाम ओडियर या राधे श्याम रखा जा सकता है। प्रभास इस फिल्म को पूरे देश के दर्शकों के सामने पेश करना चाहते हैं। इस वजह से वे ऐसी स्टार कास्ट को फिल्म का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो काफी रोचक प्रतीत हो और पूरे देश में इसका फायदा उठाया जा सके। मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो वे पिछली दफा फिल्म ताशकंद फाइल्स में नजर आए थे। यह फिल्म अपने विवादों के चलते भी काफी चर्चा में रही थी। वह प्रभास की इस फिल्म के जरिए मिथुन तेलुगु सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। पिछले दफा वे पवन कल्याण की फिल्म गोपाला गोपाला में दिखे थे। हालांकि मिथुन के फिल्म का हिस्सा बन जाने को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्म का निर्माण गोपी कृष्णा मूवीज और यूनिक क्रिएशंस द्वारा किया जा रहा है। यह फिल्म तेलुगु भाषा में बनेगी, जिसके बाद इसे अन्य भाषाओं में भी डब किया जाएगा। पिछले महीने प्रभास ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने की जानकारी साझा की थी। उन्होंने लिखा, यह जानकारी साझा करते हुए मैं बहुत ही उत्साहित हूं कि मैं अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाला शेड्यूल आनंद और मस्ती से भरपूर हो। वहीं 2017 में बाहुबली 2 के बाद प्रभास पिछले साल फिल्म साहू में नजर आए थे। यह एक एक्शन फिल्म थी जिसमें श्रद्धा कपूर उनके अपोजिट थी। इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए हिंदी, तमिल, तेलुगु का कारोबार किया था।